नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेल न्यूज सेंटर पर। रेलवे की अधिक से अधिक जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। आइए जानते हैं रेलवे के इस हफ्ते के हाइलाइट्स। देहरादून के यात्रियों के लिए बर्थ आरक्षित होंगे। बीच रास्ते में यात्रियों को बर्थ आवंटित नहीं किए जाएंगे। उपासना सहित रेलवे देहरादून यात्रियों के लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो दिवाली और छठ तक चलेगी। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में चलने वाली ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है तथा कुछ ट्रेनों के ठहराव में भी बदलाव किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे लाइन में दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया है। कोरोना काल के दौरान ट्रेन संचालन से लेकर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर डटे रहे रेलवे कर्मचारी। मुश्किल वक्त में किसी भी कर्मचारी ने मुंह नहीं मोड़ा। जबलपुर मंडल के DRM ने उन्हें सम्मानित किया। रेल यात्रियों को बुद्ध की नगरी के दर्शन कराने के लिए IRCTC ने एक स्पेशल पैकेज प्लान किया है, जो 8 दिन और 7 रात का होगा। यह 7,560 रुपए में प्रति यात्री शुरू हो रहा है। 19 महीनों के बाद ट्रेन में बिना टिकट सफर कर सकेंगे यात्री। तेज जोड़ी ट्रेनों को 1 नवंबर से आरक्षित डिब्बे लगाकर चलाने का फैसला रेलवे ने किया है। यह त्योहारी सीजन की वजह से हुआ है। कोरोना काल की वजह से रेलवे आरक्षित टिकट पर ही ट्रेन चला रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 नवंबर से ट्रेनें आरक्षित टिकट पर भी चलेंगी। रेलवे द्वारा दिवाली और छठ पूजा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसकी बुकिंग 25 अक्टूबर से IRCTC की वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है। तो जिन्हें अभी भी टिकट नहीं मिली है, वह IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपनी टिकट बुक कर लें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इन सभी खबरों को डिटेल्स में पढ़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। रेलवे की और भी जानकारी के लिए सर्च करें www.railnewscenter.com। धन्यवाद।